कीर्ति कैंपस राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक परिसर है जो देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। आप उनके प्रधानाचार्य प्रोफेसर के बी सुब्बरायडू जी आज हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये जो गीता का श्लोक हमारे सामने है, इससे हम किस तरह से आज के वर्तमान युग में जो हमारे सामने छोटे यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स कह लीजिए, कॉलेज स्टूडेंट्स कह लीजिए, जिनको हम वर्ण और जाति का भेद समझाना चाहते हैं पर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं उसको कास्ट सिस्टम से, तो आपका इस बारे में क्या विचार है सर? मेरा नाम केवी सुब्बरायडू, प्रिंसिपल श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग। भगवद्गीता कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बता दिया गया दुनिया के लिए, जिससे कि आगे जो पीढ़ी आ रही है जिसको प्राचीन परंपरा के विषय में अधिक जानकारी नहीं रहेगा, स्पष्ट करने के लिए भगवान ने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभाग शाह ऐसा कहा गया है। तो चार प्रकार के वर्ण है जो गुण और कर्म के आधार पर निश्चित किया जाता है। तो ब्राह्मणों के अलग अलग गुण है, जो क्वालिटियाँ हैं जो बता दिया है, शमो तमस तपस शौचम आत्म इंद्र निग्रह इत्यादि, वो जो गुण जिसके अंदर हो। तो ब्राह्मण का जो कर्म होता है चार प्रकार का, यजन करना, यज्ञ कराना, दान करना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये चार षटकर्म बोलते हैं। ये कर्म जिसके अंदर हो उसी को हम लोग ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण होकर भी यदि ये काम नहीं करते हैं तो कृष्ण भगवान के अनुसार वो ब्राह्मणत्व का उसके अंदर हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार वैश्य का भी धर्म है, क्षत्र का भी धर्म बताया है भगवान ने, शूद्र का भी धर्म बता दिया है। ये चारों प्रकार के वर्णों तो वृयते इति वर्णः, जो अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपने काम जो चुन लिया है उसी को वर्ण बोलते हैं। इसलिए कोई भी इस काम को चुन सकता है, इस गुणों को संपादन करके अपने जीवन में अपना सकता है। यदि गुण नहीं है तो नहीं कर सकते उसको, ये उनका अभिप्राय है। किंतु जो कास्ट विषय में आप चर्चा किया है, मीमांसा में जो कुमार भट्ट ने स्पष्ट कहते हैं, तो जाति वही है जो आकार से देखते ही पता लग जाए। आकृति व्यंग्या जाति, आकार से ही स्पष्ट हो जाए उसको जाति बोलते हैं। इसलिए जो भी सामने आता है, तो मनुष्य है तो मनुष्यत्व जाति है, पशु हो तो पशुत्व जाति है, पक्षी हो तो पक्षित्व जाति है, उसी प्रकार हर एक प्राणी का अपना अपना आकार है, तो उसी के नाम से उसकी जाति पड़ती है। किंतु मनुष्यों के अंदर दो चार प्रकार के जातियों के नाम से ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र करके जो विभाग किया गया है, वो तो इस प्रकार के लक्षण के अनुसार विरोध हो जाता है कि मनुष्य पैदा होता है वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी घर में पैदा हो, किंतु जन्म से तो कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। तो बालक तो बालक है, कोई जन्म लेकर पैदा नहीं होता है, शिक्षा लेकर पैदा नहीं होता है, किंतु जो उनके पिताजी के संस्कार के अनुसार वो अपना कर्म का और गुणों का आधान कर लेता है तो पिताजी के अनुसार उनका भी कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। आजकल ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण पिता के से जन्म होकर भी ब्राह्मणेतर कर्म कर रहे हैं, तो ब्राह्मणेतर के घर में पैदा होकर के भी ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन इत्यादि। इसलिए आकृति व्यंग्या जाति जो मीमांसक ने कुमार भट्ट ने लिखा है वो सही लिखा है। तो हम लोग भी इसी के आधार पर जो गुण का और कर्म का महत्व देते हुए ही हम लोग वर्ण व्यवस्था करना चाहिए और आकार के आधार पर ही जाति व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि बालक यदि शुद्ध घर में पैदा हुआ है, बड़ा बड़ा कर दिया उसको ब्राह्मण के घर में, तो उसको वही क्वालिटी आ जाएंगे पूरा उसका। सर, आपने इसका मतलब बताया कि गुणों के आधार पर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जो वैदिक परंपरा है, जो संस्कृत की परंपरा है, लेकिन आज क्या होता है, आज के युग में जब हम बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था का आधार संस्कृत को बताकर कहीं ना कहीं लोग कास्ट को बढ़ावा और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत ने वर्ण व्यवस्था का एक बुराई के रूप में जन्म दिया हो, उसको बढ़ाया हो।
जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत में तो गुणों की बात की गई है, वेद में गीता में गुणों की बात की गई है, उसके आधार पर कर्मों की रचना हुई है, इस तरह की बात की गई है। लेकिन लोग संस्कृत को बुरी नजर से उस तरह की, आपके संस्कृत में देखिए हमें क्या कैसी कास्टिज्म में डाल दिया, कास्ट सिस्टम में डाल दिया, तो ये जो विरोध है इसके बारे में आप कुछ शब्दों में बताएंगे। आजकल की अभी व्यवस्था दूसरी हो चुकी है, प्राचीन काल में तो एक राजा पोषित थे और केवल उन्हीं के आधार में अधीन में था विद्या, संस्कृत विद्या। अभी तो सरकारी होने के कारण प्रभुत्व ने सबके लिए व्यवस्था कर दिया है, कोई भी वेद पढ़ सकता है, कोई भी संस्कृत पढ़ सकता है, कोई भी प्रवेश ले सकता है, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता उसको पढ़ाने के लिए। इस दृष्टि से आजकल की व्यवस्था जो भगवान कृष्ण का जो लक्ष्य था वर्ण व्यवस्था, वो अभी धीरे धीरे कलयुग में भी आ रहा है। अनेक छात्र जो ब्राह्मणेतर है, जो ब्राह्मण कुल से पैदा नहीं हुए हैं, वो लोग भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर बन रहे हैं, कुलपति बन रहे हैं, वैश्य सांसद बन रहे हैं, कई जगह देखा गया कि अच्छे अच्छे विद्वान भी बन रहे हैं। इन विदेशों में भी, ना केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी अंग्रेजी लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, कई जगह यज्ञोपवीत संस्कार करा करके वो लोग भी वेदाध्ययन करना शुरू कर दिए हैं, और हमारे वैदिक पंडित ही उनको पढ़ाते भी हैं जा करके, इसमें कोई हेजिटेज नहीं करते हैं। इसलिए वो समाज अभी खत्म हो चुकी है, सबके अंदर विशाल भावना हो चुकी है, ब्राह्मणों के अंदर विशाल भावना आ चुकी है, वो लोग भी समाज को देख रहे हैं परिवर्तन होते हुए, तो उसी के अनुसार वो लोग भी सबके लिए जो अधिकारी बना करके, क्योंकि नियम तो नियम करना पड़ेगा, जो यज्ञ भी धारण करना है, संध्या वंदन इत्यादि करना है, रेजिडेंट बनना है, ये सब जो नियम है, जो भी नियम पालन करे और जो भगवान कृष्ण कहा है ब्राह्मण का जो धर्म है, गुण है, उसको संपादन करना चाहिए। तो वैसा स्थिति में तो आजकल के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग भी सम्मान करते हैं इस विषय को, इस चर्चा को, और इसलिए संस्कृत का प्रचार प्रसार इस समय बहुत हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय कोई ऐसा विरोध भावना, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें व्यक्ति के गुणों को पहचानना चाहिए, यही संस्कृत की देन है, इसी तरह से हमें अपने कर्मों को गुणों के आधार पर बढ़ाना चाहिए और सदा कर्मशील रहना चाहिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।